हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 13.1 कंप्लीट की थी। अब उससे आगे देखें 13.2 किस तरीके से करना है, मेन क्वेश्चन सारे। तो पहला क्वेश्चन देखें, इसमें बेलन चलेगा। बेलन के तीन फॉर्मूले हैं, वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब ये हो गया कि इसके ये वाले हिस्से बस, ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो संपूर्ण में क्या हो जाएगा, ये और सारे बाहर का सारा इंक्लूड हो जाएगा। और आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें इसमें करनी है। तीन ही फॉर्मूले चलेंगे, 2πrh, 2πr r + h और पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें इसमें करना है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जो दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन का व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7 हो गई, क्योंकि ये इसकी आधी होती है ना। और ऊंचाई क्या दे रखी है हमें, ऊंचाई हमें दे रखी है 15, ऊंचाई 15 दे रखी है। तो इसमें तीनों चीजें पूछी हैं, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो देख लें तीनों एक साथ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, 2 × 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, ऊंचाई 15, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 44 × 15, 15 × 60, 15 × 60, 60 × 6 = 66 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r + h, तो 2 × 22/7 × 7 × 7 + 15, मान रखेंगे सीधा सीधा डायरेक्ट पढ़ा है, 7 से 7 कैंसिल, 44 × 15 = 7, 22, तो ये हो जाएंगे 44 × 88, 88 × 88, 88 × 96, तो 968 आ जाएंगे। अब लास्ट बचा है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देते हैं 22/7, त्रिज्या 7 × 7, ऊंचाई कितनी है 15, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 44, 22 × 7 = 154 15 × 60, 15 × 15 = 225 × 6 = 231, 2310 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 2310, फिर से देखें, बेलन का वक्र, संपूर्ण और आयतन तीनों चीज़ें पूछी हैं, त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी थी हमें। तो मान रखा 2 × 22/7 × 7 × 15, सारी वैल्यू 7 से 7 काट दिया, 15 × 44 = 660 हुआ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r + h, तो हमने मान रखा इसमें भी 7 से 7 काट दिया, 44 × 22 हो गए 968। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान भी रख दिया, त्रिज्या का मान रख दिया, 7 से 7 कैंसिल, 154 × 15 × 23, 2310। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेम का सेम सेकंड भी उसी तरीके से करना है। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से करना है, बस बता दिया है कि जिस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करना है। तो डायरेक्ट मैं तीसरा बता रहा हूँ अब आपको, तो देख लें, बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का एक सिरा किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का, तो पाई आर स्क्वायर, यहां से त्रिज्या निकालेंगे अपन, तो आर स्क्वायर बराबर 154/22, और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 22 × 7 = 154, तो त्रिज्या 7 × 7, तो त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 21, एच 21 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा क्या है, पूछा ये है बेलन का आयतन और इसका वक्र पृष्ठ। तो पहला वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, मान रख दो,
दो गुना 22/7, त्रिज्या 7, ऊंचाई कितनी है 21, 7 से 7 कैंसिल, 44 गुना 21, और 44 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 चौक 84, 84 8 92, तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देते हैं 22/7, त्रिज्या 7 गुना 7, ऊंचाई 21, 7 से 7 कैंसिल, 22/7 154 गुणा 21, 21 को 154 से गुणा कर लेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 3234, ठीक है। इस तरीके से बेलन का एक सीधा दे रखा था हमें, तो पाई आर बराबर 154, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी पूरी पूरी 154, और 154 को हम 21 से गुणा भी कर सकते थे, दोनों तरीके आपको जैसा ठीक लगे कर सकते हैं। ओके, तो अपना ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो देखें। फोर्थ क्वेश्चन में देखें, दो लंबवर्ती बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है, और ऊंचाई का जो अनुपात दे रखा है वो 5:4 है। इसने दोनों चीजें पूछी हैं, इसे पूछा है वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल, तो पहले अपन ये कर लेते हैं बेलन फर्स्ट का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल, और इधर बेलन सेकंड का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई 2πRH, इसका भी 2πRH, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज है, यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग है, 2π से 2π कैंसिल। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, पहले R1 कितनी दिखाई दे रही है 2, H1 कितना है 5, R2 कितना है 3, और ये 4, 2 से 4 काटा 2 बार गया तो कितना आ गया 5/6, तो 5:6 इसका आ गया। अब आयतन का करेंगे, बेलन फर्स्ट का आयतन बटा बेलन सेकंड का आयतन, और बेलन फर्स्ट का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, इसकी त्रिज्या कितनी दिखाई दे रही है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर, एच कितना है 5, इसका 3 का स्क्वायर गुना 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 गुना 5, 3 का स्क्वायर 9 गुना 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 5:9, तो बेलन का आयतन तो आ जाएगा 5:9, और वक्रपृष्ठ आ जाएगा 5:6। फिर से देखें, दो लंबवर्तीय बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, तो हमने पहले बेलन फर्स्ट निकाला फिर बेलन सेकंड निकाला, 2πR1H 2πR2H, 2π से 2π कैंसिल, R1 और H1 की वैल्यू सब रख दिया हमने, 2 से 4 काटा 2 बार गया, फिर 5/6, तो 5:6 आ गया। अब बेलन फर्स्ट का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का सेकंड का पाई आर स्क्वायर एच, सबकी पॉइंट रख दिया अलग अलग, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, आर का 2 था और ये 5, 3 का स्क्वायर और ये 4, मान रखा 4 से 4 कैंसिल, तो 5:9 इसके अपने आंसर आ गए, आयतन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब इससे आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है
कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 465 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, इसका वक्र पृष्ठ, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच बराबर 465। हम इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, ये समीकरण नंबर एक हो गई अपने। बेलन का वक्र पृष्ठ एक तिहाई है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आया तो अब देख लें कि बेलन का वक्र पृष्ठ है वो एक तिहाई है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच 1/3, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय 462 दे रखा आपको, तो काट देते हैं, 3 × 3 = 3, 5 × 15 = 312, तो 2 पाई आर एच बराबर कितना है 154, समीकरण नंबर दो। समीकरण दो को एक में रखने पर, दो को आप एक में रखोगे तो देखें 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 154 बराबर 462, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 माइनस 154, 12 में से 4 गए 8, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 11 3, तो ये आया अपने पास। तो हमें त्रिज्या निकालनी है, तो 2 गुना 22 और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 22 से कम 22, 22 चौक 88, 2 7 14, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 × 7, तो त्रिज्या आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर। अब एच और निकाल लेते हैं समीकरण दो से। समीकरण दो से देखें, 2 पाई आर एच बराबर 154 दे रखा है ना हमें, तो यहाँ आर की वैल्यू रख देते हैं, 2 × 22/7 × 7 × h बराबर 154, 7 से 7 कैंसिल, तो h बराबर 154/2 × 22, 22 से 154 कटा 7 बार, तो h कितना है अपने पास 7/2, h कितना आ गया 7/2 आया। अब इसने पूछा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन देखें, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7, 7 × 7 ऊंचाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल 11 बार, 11 × 7 = 77 × 7 = 49 और 5 × 53 539 सेंटीमीटर क्यूब आया अपने पास। कितना है 539 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से देख लें, अगर वहां से नहीं सुनाया हो तो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय 462 दे रखा था, 2 पाई आर आर प्लस एच बार 462, हमने इसको अंदर गुणा किया तो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, और इसको इससे गुणा किया तो 2 पाई आर एच हो गया। अब इसमें समीकरण एक लगा दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तिहाई है, तो 1/3 × 462 काटा तो 154 हुआ। अब 2 पाई आर एच बराबर 154, समीकरण दो, समीकरण दो को एक में रखने पर रख दिया तो 154 उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का, 308 आए, तो 2 पाई का हमने भाग लगा दिया, तो 22 से 308 किया 14 बार, 2 से 14 काटा 7 बार, तो त्रिज्या कितनी आ गई 7, त्रिज्या 7 आ गई। अब मैं थोड़ा सा एक बार वो उधर वाला बता देता हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा होता आपको। समीकरण दो से हमें जब ये दे दिया 2 पाई आर एच बार 154 है, तो यहाँ देखें त्रिज्या कितनी थी 7, 7 से 7 कैंसिल, तो एच बराबर 154/2 × 22, अब 22 × 7 = 154, तो एच कितना आया 7/2। तो आयतन पूछा था, आयतन मैंने निकाल ही दिया था, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7 × 7 × 7 × 7/2, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 22 कैंसिल 11, 57 को 7 से गुणा करेंगे तो 539 आएंगे, कितने 539। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5।
पांच था, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी थोड़ा सा अलग था और क्वेश्चनों से, तो जो हमने कर लिया। सारे इसी तरीके से होंगे, बस फॉर्मूले याद रहने चाहिए, मान रखना आना चाहिए बस उसमें, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो अब आगे देखें, बेलन का आयतन दे रखा आपको, बेलन का छठा सवाल है। बेलन का आयतन 30 पाई दे रखा है, और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई है। तो इसमें पूछा क्या है, ऊंचाई ज्ञात करें बेलन के, एज ज्ञात करना हमें। तो यहां देखें, बेलन का आयतन बराबर 30 पाई है। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई, ठीक है। अब यहां देखें, पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ, आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब वृत्त हो गया उसका बेलन का, तो ये दे रखा है हमें 6 पाई बराबर 30 पाई। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 30 पाई बटे 6 पाई, और 6 से 30 पाई कट रहा है 5 बार, तो एच हमें कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। एच कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। फिर से देखें कि बेलन का आयतन तो 30 पाई है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई है, फिर हमने क्या किया, उसने ऊंचाई पूछी थी, तो बेलन का आयतन होता है 30 पाई, और बेलन का आयतन का सूत्र लगा दिया हमने, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। अब आधार का क्षेत्रफल 6 पाई दे रखा है, तो ये आधार का क्षेत्रफल ही तो हुआ अपना, तो ये 6 पाई एच बराबर 30 पाई, एच निकालना है, तो हमने क्या किया, 6 पाई का बार लगा दिया, कितनी बार गया पूरा पूरा 5 बार गया, तो यहाँ एच कितना है अपने पास, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने यहाँ पे 13.2 के 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।